जय माता दी ऑल। अब आपके सामने इस वक्त जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, इट इज द डेफिनेशन एज अमेंडेड ऑन 1st of Feb 2021। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर December 21 एग्जाम्स, June 22 और December 22 एग्जाम्स, और आगे भी एप्लीकेबल रहेगी अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट्स नहीं आती तो इट विल रिमेन एप्लीकेबल। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं स्मॉल कंपनी की, एंड देन आई विल कम बैक टू द दिस डेफिनेशन व्हिच इज विजिबल ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे सामने दिख रही है। आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे ले जा रहा हूं सो दैट आप समझ पाओ कि हम कहां से चलकर कहां आए हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड विद दिस ओरिजिनल डेफिनेशन, कंपनी जब 2013 जब आया था तो स्मॉल कंपनी की जो पहली ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो कैसी नजर आती थी। एंड वी यूज टू से स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, एंड द टर्नओवर सेल्स टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और ये एंड नहीं था, ये और था, जब पहली बार डेफिनेशन आई थी तो ये और लिखा हुआ था यहां पर। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अब वही दिखाने जा रहा हूं आपको। और बाद में और को चेंज करके लॉ मेकर ने एड कर दिया, वो बाद में अमेंडमेंट हुई उसके अंदर। तो एक टाइम था जब कहते थे स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। तो इट इज अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन द प्रीवियस ईयर ₹2 करोड़। एंड हालांकि साथ में ये भी बोल दिया और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स बाय एमसीए, एमसीए चाहे तो रूल्स में 50 लाख को बढ़ा सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कर सकता है, लेकिन एमसीए 5 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ कहा टर्नओवर का क्राइटेरिया भी एमसीए चेंज कर बढ़ाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ तक ले जा सकता है, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये ओरिजिनल डेफिनेशन कब से चली आ रही थी? 2013 में ये डेफिनेशन थी। अब इस और की वजह से क्या गड़बड़ थी वो देख लें। और की वजह से मान लीजिए, और साथ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस 2013 में भी थी, ये अब भी हैं। होल्डिंग सब्सी को वेल स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, या ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल इज 40 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹1 ईच फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर शेयर ₹1 ईच, दैट इज देयर, एंड टोटल बिकम्स ₹40 लाख। और साथ में हम कह रहे हैं टर्नओवर जो है, सेल्स टर्नओवर है कंपनी की, टर्नओवर ऑफ द कंपनी ₹4000 करोड़, 4000 करोड़ की सेल्स टर्नओवर है। सर इतना भयंकर डिफरेंस, ऐसे कैसे? सर एक चीज मैंने आपको बताई, मतलब ऑब्वियसली 4000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए सर हाथ में पेड अप कैपिटल भी तो कुछ तो होनी चाहिए, 40 लाख रुपए से आप 4000 करोड़ का बिजनेस कैसे करोगे? तो आप ऐसे मान लो कि ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे, और जब ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे तो प्रीमियम चार्ज किया था उस वक्त, मान लो वेल लेट से ₹100 पर शेयर, एक मिनट के लिए प्रज्यूम कर रहे हैं ₹100 पर शेयर, तो 40 लाख शेयर के ऊपर ₹100 पर शेयर के हिसाब से 40 करोड़ का तो प्रीमियम ही हो गया, ₹40 करोड़ का तो प्रीमियम हो गया, या ₹1000 पर शेयर मान लो आप, तो 400 करोड़ का प्रीमियम अमाउंट हो गया, विच गोज टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जी पेड अप कैपिटल तो 40 लाख है और सेल्स टर्नओवर 4000 करोड़ है, और लॉ मेकर ओरिजिनल डेफिनेशन क्या दे रहा है, क्या दी थी, दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, पेड अप कैपिटल 50 लाख तक होनी चाहिए, एग्जैक्ट 50 लाख और लेस, और या फिर सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। नाउ वी आर सेइंग हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल, समझ में आ रहा है, 40 लाख है तो मतलब 50 लाख से कम है, एंड इज लेस देन
50 लाख और हम कह रहे हैं हम स्मॉल कंपनी है, हम स्मॉल कंपनी है और हमें स्मॉल कंपनी वाले सारे बेनिफिट्स जो स्मॉल कंपनीज को मिलते हैं कंपनी लॉ में वो मिलने चाहिए, जो एग्जम्पशंस मिलती हैं, जो रिलैक्सेशंस मिलती हैं, वो सब मिलनी चाहिए हमें नौ, क्योंकि हमारी तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, 40 लाख की पेड अप कैपिटल है और प्रीमियम तो देखना ही नहीं है, प्रीमियम तो देखने के लिए लॉ मेकर कह ही नहीं रहा, और बीच में लिखा है क्राइटेरिया में और क्या देखना है, पेड अप कैपिटल और सेल्स टर्नओवर, दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो या तो टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, और दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर वेदर एज पर ओल्ड डेफिनेशन, जब और लिखा था, जब और लिखा था उसके हिसाब से वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी इन दिस क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, और आंसर आपको बताना है यहां पर, यू हैव टू गिव द आंसर अगर बीच में और लिखा है तो क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं, जस्ट सी। अगर बीच में और लिखा है यहां पर दोनों क्राइटेरियाज के बीच में और, तो दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है एज पर लॉ मेकर, तो आंसर इज यस इट इज अ स्मॉल कंपनी and it can take all the benefits of small company and it can take all benefits of small company, जो भी law maker exemptions देता है, relaxations देता है, वो सारी ले सकते हैं। अब आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, तो मैं कहूंगा गलत है। क्यों गलत है, small company के benefit ले रहे हो, अरे भाई आप 400 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेकर बैठे हो, मतलब आपकी बैलेंस शीट में तो आ ही गया ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपकी कैपिटल का तो पार्ट ही है ना वो जो प्रीमियम है कहीं ना कहीं, वेल आपकी बैलेंस शीट में तो दिख रहा है ना 400 करोड़ रुपए। लॉ मेकर ने यहां पर डेफिनेशन में उस प्रीमियम को इग्नोर किया और टर्नओवर कितनी है 4000 करोड़ की सेल्स टर्नओवर लेकर बैठे हैं और हम कह रहे हैं हमारी तो छोटी सी कंपनी है, हमें तो सारी रिलैक्सेशंस चाहिए, सारी एग्जम्पशंस चाहिए। लॉ मेकर को बाद में समझ में आया कि भाई मेरे से गड़बड़ हो गई और जब लॉ मेकर को यह समझ में आया कि मेरे से गड़बड़ हो गई तो लॉ मेकर ने फिर और को डिलीट किया, यहां से और को डिलीट किया और डिलीट करके क्या बनाया एंड, तो फाइनली वो एंड बनाया गया, तो दिस वाज द चेंज। और एंड करने से क्या होगा कि अब कंपनी को दोनों क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, क्या दोनों क्राइटेरियाज, पेड अप कैपिटल भी 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेल्स टर्नओवर भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। ये अमेंडमेंट आई विल इनिशियली आल से जब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ये गलती लॉ मेकर को रियलाइज हुई। क्या लॉ मेकर से लॉ लिखते समय गलती हो जाती है, यस वो भी तो इंसान है और आगे आपको बहुत सारे चैप्टर्स में दिखाऊंगा लॉ मेकर की गलतियां, लॉ मेकर ने जहां जहां गलती की है और अभी भी वो गलतियां एग्जिस्ट कर रही हैं 2021 में 2022 में वो गलतियां अब भी एग्जिस्ट कर रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि लॉ मेकर ने सारी गलतियां ठीक कर ली हैं, जो जो गलतियां उसको समझ में आ रही हैं वो ठीक करता जा रहा है और जो गलतियां अभी तक समझ में नहीं आई वो ठीक नहीं की। यहां पर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अब बीच में हो गया एंड, पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए एंड सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। तो अगर अब और की जगह एंड हो गया तो वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू एंड नाउ द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे, बात समझ में आ रही है, गेटिंग दैट। 2021 में अब सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया और फर्स्ट फेब 2021 को जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दिस वॉज द ओरिजिनल डेफिनेशन विच वॉज गोइंग ऑन अर्लियर, well I'll say earlier than first Feb 2021, this was the definition which was going on, ye pehle ki baat ho gayi। ab first Feb 2021 ke baad kya changes hue ab uske bare mein baat karte hain, we are talking about that। एक तो एक चीज और बता रहा हूं, अभी फर्स्ट फेब 2021 से पहले की बात बता रहा हूं, यहां पर लॉ मेकर ने अपनी पावर्स को कुछ चेंज किया। वेल
ये जो 5 करोड़ लिखा था यहाँ पर और ये जो इधर 20 करोड़ लिखा था कि हम इस 50 लाख को बढ़ाकर 5 करोड़ या 20 करोड़ कर सकते हैं, जबकि पहले कभी किया नहीं था। लेकिन 2017-18 की बात बता रहा हूँ, 2017-18 में इधर 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, इधर 20 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया, लेकिन इस पावर को पहले कभी 2020 तक यूज नहीं किया, नॉट यूज टिल 2020। मतलब एनहेंस कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपनी पावर को चेंज कर रहा है और 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ या 20 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़, लेकिन जो प्रैक्टिकली चल रहा था वो वही 50 लाख और 2 करोड़ ही चल रहा था, क्योंकि एमसीए ने पावर तो ये लिख दिया डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास पावर बढ़ गई है, लेकिन उस पावर को यूज नहीं किया और रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया। 2020 तक रूल में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया और 2020 तक अप टू 2020 हम क्या फॉलो कर रहे थे, यही फॉलो कर रहे थे अप टू 2020, 50 लाख और 2 करोड़। सिर्फ डेफिनेशन में दिखाने के लिए दिखा दिया कि हमारी पावर बढ़ गई है, लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर पावर का इस्तेमाल करने का टाइम आया, तो अब पावर का इस्तेमाल किया कब, 1 फरवरी 2021 में एमसीए ने रूल्स में अमेंडमेंट की और रूल्स में अमेंडमेंट करके पहली बार अपनी पावर का यहां इस्तेमाल किया और बोला कि अब हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 1 फरवरी 2021 की एक स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक हो सकती है और एक स्मॉल कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। और बार बार जोर दे रहा हूं, मैंने पहले भी एक बार बोला था, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी है, करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, वो जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर आजकल, उसकी टर्नओवर नहीं देखनी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अब, वेल लेट अस से फाइनेंशियल ईयर आजकल जो चल रहा है, दैट इज 1 अप्रैल 2021 to 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर आजकल चल रहा है, तो ये वाले फाइनेंशियल ईयर की आपको टर्नओवर नहीं देखनी है, आपको कौन सी वाली टर्नओवर देखनी है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 वाली टर्नओवर आपको देखनी है। और अगर वो टर्नओवर वेल 20 करोड़ है या 20 करोड़ से कम है, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप वेल स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं और स्मॉल कंपनी को जो एग्जम्पशंस मिलती हैं, रिलैक्सेशंस मिलती हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसी जो पेड अप कैपिटल भी देखनी है 2 करोड़, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की देखनी है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अब बोलूंगा 31 मार्च 2021। तो आज की तारीख में अब जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट उठाकर आप देख लो पेड अप कैपिटल इज वेल एग्जैक्ट टू करोड़ और लेस एज ऑन 31 मार्च 2021। और लाइकवाइज लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाकर देख लो, टर्नओवर इज एग्जैक्ट 20 करोड़ और लेस देन 20 करोड़। और बीच में याद रखना, बीच में क्या है, एंड दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अब फाइनली दिसंबर 2021 एग्जाम्स और जून 2022 और दिसंबर 2022 एग्जाम्स में फाइनली आपके लिए क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी विच हैज द पेड अप कैपिटल ऑफ एग्जैक्ट 2 करोड़ और लेस and sales turnover of rupees 20 crore or less. That is the final criteria for your exams. So, I repeat that small company means a private company of which the paid up capital is exact rupees 2 crore or less. Exact 2 crore bhi chalega aur usse kam bhi chalega, 2 crore se zyada nahi honi chahiye. And the sales turnover of the previous financial year is exact rupees 20 crore or less. Maybe for December 21 exams, maybe for June 22 exams, maybe for December 22 exams, the criteria is same, जो अब finally आपके लिए exam के लिए applicable है। लेकिन क्या हमें exam में ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, क्या हमें exam में ये पूरी कहानी इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि सर आज भी legal definition में section 2 clause 85 में legal definition में तो ऐसे लिखा है, paid up capital does not exceed 50 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed in the rules by MCA. And the turnover of the previous year does not exceed rupees 2 crore or such higher paid up capital as may be prescribed in the rules by MCA. Aur saath mein ye bhi batana padega, MCA has prescribed well on 1st Feb 2021 the paid up capital up to rupees 2 crore and the sales turnover up to rupees 20 crore. To kya ye is tarike se likhe,
मैं तो कहूंगा ऐसे ही लिखना चाहिए, मतलब मैं होता तो मैं ऐसे ही लिखता कि लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 85 में क्या है, एमसीए को पावर कहां तक दी गई है, एमसीए को पावर 10 करोड़ और 100 करोड़ की दी गई है, लेकिन एमसीए ने 10 करोड़ और 100 करोड़ की पावर को यूज नहीं किया है, 10 करोड़ जहां पावर दी गई है वहां 2 करोड़ को यूज किया है। कि 100 करोड़ को स्मॉल कंपनी कहना चाहिए, लेकिन 20 करोड़ भी कौन सा स्मॉल होता है, लेकिन उसको बोलते हैं ना स्मॉल कंपनी। और हम कह रहे हैं फिर कंपनी लॉ में रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी, बहुत सारी रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी, तो बेनिफिट्स मिलेंगे, रिलैक्सेशंस मिलेंगी, एग्जम्पशंस मिलेंगी। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा एग्जाम में फिर आप मतलब सभी तीन तीन लिमिट लिख रहे हो, पेड अप कैपिटल ओरिजिनली 50 लाख थी, उसको एमसीए बढ़ाकर 10 करोड़ कर सकता है, लेकिन आजकल एमसीए ने 2 करोड़ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसी टर्नओवर ओरिजिनली 2 करोड़ की लिमिट हुआ करती थी, एमसीए बढ़ाकर रूल्स में इसको 100 करोड़ कर सकता है, लेकिन एमसीए ने आजकल इसको बढ़ाकर 20 करोड़ किया हुआ है। लेकिन फाइनली हिंदुस्तान क्या फॉलो कर रहा है, हिंदुस्तान क्या फॉलो कर रहा है, पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ एंड टर्नओवर मैक्सिमम ₹20 करोड़ एज पर लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट्स। तो करंट ईयर में स्टेटस ये मिलेगा, दिस इज द स्टेटस इन द करंट ईयर। अभी मैं नीचे वाली कहानी, ये जो तीन एक्सेप्शंस है कि इन तीनों को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता, इसमें नहीं जा रहा हूं अभी आपको, मैं पहले एक एग्जांपल करवा दूं, फिर ये भी करवाऊंगा मैं आपको जो नीचे की कहानी है ये भी करवाऊंगा समझने के लिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल अब जो अब आपके सामने स्क्रीन पे है ये समझ में आ गया तो मतलब आपको स्मॉल कंपनी समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो मतलब आपको स्मॉल कंपनी समझ में आया ही नहीं, ये मानकर चलना। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर वन, हमारे पास वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 2022 में बैलेंस शीट बनेगी। उस वक्त बैलेंस शीट कहती है पेड अप कैपिटल जो है वो 1.4 करोड़ है, मतलब लेस देन रुपीज 2 करोड़, लेस देन रुपीज 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहता है हमारी जो एनुअल टर्नओवर है वो 18 करोड़ है, और 18 करोड़ का मतलब लेस देन रुपीज 20 करोड़ या लेस देन इक्वल टू का क्राइटेरिया है, एग्जैक्ट 2 करोड़ भी चलेगा, एग्जैक्ट 20 करोड़ भी चलेगा, मतलब 18 करोड़ है तो 20 करोड़ की लिमिट के अंदर है। आप लेस देन लिखना चाहो तो आप लेस देन भी लिख सकते हो, मतलब लिमिट के अंदर है, 100 बातों की एक बात। तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, और ये सवाल मैं किस दिन पूछ रहा हूं, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं एज ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 शुरू हो गया, तो मैं 1 अप्रैल 2022 वाले दिन ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई लास्ट ईयर की टर्नओवर और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से पेड अप कैपिटल देखकर बताओ क्या 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, एंड द आंसर इज येस। क्यों? क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, और बीच में लिख रहा हूं एंड, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, पेड अप कैपिटल एंड एनुअल टर्नओवर वाला दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, दैट इज देयर। तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, तो आंसर इज यस, दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। क्या ये एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन है, आंसर इज यस, इसको सारी एग्जम्पशन मिलेंगी, That is here। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मतलब कब से लेकर कब तक की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 दिस कंपनी विल गेट द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब कहानी में ट्विस्ट है, अब क्या होता है इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जब ये इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, Now during the financial year 22-23, December 2022 में हमें पता चलता है well, कि भाई हमारी turnover तो shoot up हो गई बहुत ज्यादा, sales बढ़ गई हमारी बहुत ज्यादा, वो corona वाला effect खत्म हो गया, economy normal हो गई, हमारे business में boom आ गया, तो हमारी turnover जो है वो बढ़कर कहां पहुंच गई है, December 22 में हमें दिखता है 22 करोड़ हो गई है turnover, 31 December 2022 हमें ये नजर आता है,
कि हमारी टर्नओवर बढ़ गई है। अब क्या स्टेटस चेंज हो गया? अभी मैं कहूं 1 जनवरी 2023, क्या मैं कहूं कि अब ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रही या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? हां जी, क्या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? आंसर इज यस, ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है। 20 करोड़ की लिमिट जंप हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो करंट ईयर की टर्नओवर देखनी नहीं है, हमें तो टर्नओवर कौन सी वाली देखनी है, हमें तो लास्ट ईयर की टर्नओवर देखनी है। तो क्या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? स्टिल दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी ऑन 1 जनवरी 2023, ये अभी भी स्मॉल कंपनी अभी भी है, चाहे लिमिट 20 करोड़ जंप हो गई, क्योंकि हमें तो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी होती है। पेड अप कैपिटल अभी भी वही की वही चल रही है, 1.4 करोड़, वो सेम है, उसमें देयर इज नो चेंज, टर्नओवर बढ़ गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है नेक्स्ट ईयर एज ऑन 1 अप्रैल 2023, और फिर तो टर्नओवर बाकी तो अभी 3 महीने और पड़े हैं, जनवरी फरवरी मार्च में भी सेल होगी। पता चला वो जनवरी फरवरी मार्च में मान लो 4 करोड़ की और सेल हो गई, और 31 मार्च आते आते तो टर्नओवर हो गई 26 करोड़, 26 करोड़ की टर्नओवर हो गई हमारी एज ऑन 31 मार्च 2023, सेल 26 करोड़ की हमारी टर्नओवर हो गई। अब अगले साल के लिए सवाल पूछ रहा हूं, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया 2023-2024, क्या अब ये कंपनी बिग कंपनी हो गई है और हम कहें स्टेटस चेंज हो गया, अब ये स्मॉल कंपनी नहीं है, और क्या हम ये कहें कि अब इसको स्मॉल कंपनी वाला स्टेटस नहीं मिलेगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो रिलैक्सेशंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो नहीं मिलेगी? एंड द आंसर इज यस, दिस कंपनी इज अ बिग कंपनी नाउ एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी विच आर अवेलेबल टू स्मॉल कंपनीज फॉर द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू स्मॉल कंपनीज। आई होप गेटिंग दैट, स्टेटस चेंज हो गया, स्मॉल कंपनी का स्टेटस अब नहीं रहा, दैट इज वन थिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। अब क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये ध्यान से देखिएगा, अब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ गड़बड़ क्या हो गई है? कुछ हुआ ऐसा कि टर्नओवर फिर से कम हो गई, और 26 करोड़ की जो टर्नओवर पिछले साल हो गई थी वो अभी गिरकर 26 करोड़ से गिरकर कहां आ गई है, 17 करोड़। स्टेटस क्या है? बिग कंपनी का, लेकिन बिग कंपनी की बेचारी की सेल्स टर्नओवर 2023-2024 में कितनी है? ओनली 17 करोड़। बात समझ में आ रही है? क्या ये 17 करोड़ की टर्नओवर होते हुए भी क्या अभी भी ये बिग कंपनी है? ड्यूरिंग 23-24 तो बिग कंपनी है, क्यों? 23-24 में बिग कंपनी क्यों है भाई, क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर वो 22 करोड़ या 26 करोड़ थी, दैट वाज देयर। लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी दैट वाज 26 करोड़, इसलिए करंट ईयर में स्टेटस इज विल बिग कंपनी, इवन इफ द करंट ईयर टर्नओवर इज 17 करोड़। 17 करोड़ की टर्नओवर है लेकिन फिर भी हम स्मॉल कंपनी नहीं है, 20 करोड़ से कम है टर्नओवर, लेस देन 20 करोड़, लेकिन फिर भी हम स्मॉल कंपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर 26 करोड़ थी, और क्राइटेरिया में चेक तो कौन सी वाली करनी होती है, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करनी होती है। बात समझ में आ रही है, गेटिंग दैट? और पेड अप कैपिटल तो वो 1.4 करोड़ ही चली आ रही है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा उसमें, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, दैट इज द प्रिजम्पशन आई एम टेकिंग इन ऑल द ईयर्स। तो अभी तो स्टेटस इज यस, इट इज अ बिग कंपनी, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, इवन इफ सेल्स टर्नओवर इज 17 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, अगला साल फाइनेंशियल ईयर 24-25, फिर से टर्नओवर जंप अप हो गई, 25 करोड़ की टर्नओवर फिर आ गई, इज इट अ स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी? 25 करोड़ की टर्नओवर है, स्मॉल या बिग? तो आंसर इज स्मॉल, यस इट इज अ स्मॉल कंपनी, वंस अगेन इट इज अ स्मॉल कंपनी, वंस अगेन टर्नओवर 25 करोड़ की टर्नओवर है, 3-5 करोड़, फिर भी स्मॉल कंपनी, यस सर, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी थी, 17 करोड़, तो क्राइटेरिया तो हम क्या चेक कर रहे हैं, लास्ट ईयर,
last financial year turnover was 25 करोड़ और पेड अप कैपिटल वही के वही अभी भी 1.5 करोड़, वो तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूं, आई एम नॉट चेंजिंग. तो भाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 17 करोड़ है, तो वेल करंट ईयर में स्टेटस अभी भी क्या है, स्मॉल कंपनी का. गेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, फिर तो ये मतलब चेंज हो रहा है क्या हर साल? एक साल स्टेटस यहां पर हमने दिया था स्मॉल कंपनी, नेक्स्ट ईयर बिग कंपनी, वापस फिर से स्मॉल कंपनी. और क्या स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स फिर से मिलेंगे? क्या वो जो बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल कंपनी के, एग्जम्पशंस होती हैं, वो फिर से मिलेंगी? एंड द आंसर इज यस, वो जो बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल कंपनी के वो भी मिलेंगे सारे के सारे. ये तो बड़ी मजेदार बात है. मतलब कहानी बड़ी सिंपल है, जिस साल आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेकर बैठे हो उस साल बेनिफिट मिलेंगे, जिस साल बिग कंपनी का स्टेटस है उस साल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. आई होप ये कहानी पूरी समझ में आ गई है. अगर ये समझ में आ गया तो मतलब आपको वो जो एड का इम्पैक्ट है वो भी समझ में आ गया और डेफिनेशन आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई है. तो बस ये याद रखिएगा, बीच में एड है और जिस साल, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उस साल आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा और एग्जम्पशंस मिलेंगी, रिलैक्सेशंस मिलेंगी. और जिस साल आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आई विल से देन यू आर अ बिग कंपनी. तो प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो चीजों को आप बेस बनाइए और उसके बेसिस पे देखिएगा करंट ईयर में अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो स्मॉल कंपनी. आई होप समझ में आ गई है ना बात सबको, एवरीबडी गॉट दिस. एंड आई विल से इसके बाद जो बचता है हमारे पास, दैट इज अ बॉटम पार्ट, कि किन कंपनीज को, कौन कौन सी कंपनीज को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. तो ये नथिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. नथिंग इन सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी शैल अप्लाई इन द फॉलोइंग 3 केसेस. और पहला केस है दैट होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी. सेकंड केस सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, डिटेल में बात करूंगा. और तीसरा केस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स गवर्न्ड बाय सम स्पेशल एक्ट, जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं दे आर गवर्न्ड बाय TRAI एक्ट. बनी तो वो कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, बट दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट. आई विल से दैट इज वेल TRAI रेगुलेशंस वगैरह उनके लिए जो भी अलग से हैं. वेल ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज बोलूंगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है. तो इंश्योरेंस कंपनीज मे बी मैक्स बूपा इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. वेल बनी तो वो कंपनीज एक्ट में है बट दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस एक्ट 1938, दैट इज देयर. तो वो थर्ड कैटेगरी में आ जाती है कहीं ना कहीं. अब एक के बाद एक रिपीट कर लेते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी. व्हेन आई से होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी. अब आपके सामने एग्जांपल है, होल्डिंग कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी और सब्सी कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड. दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनीज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. स्मॉल कंपनी मींस अ वेल प्राइवेट कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 52% शेयर्स और 52% वोटिंग राइट्स ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड. मोर देन 50% है तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गया. और हम कह रहे हैं एच प्राइवेट लिमिटेड की जो पेड अप कैपिटल है वो है 1.3 CR एज ऑन 31st March 2022. और एस प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपीज ओनली. और इन दोनों को मिला भी देता हूं, दोनों को एड कर देता हूं, तो प्लस भी कर देते हैं तो टोटल कितना आता है रुपीज 1.4 CR, रुपीज 1.4 CR दोनों को एड कर देता हूं. नाउ रुपीज 1.4 CR तो मतलब इट इज लेस देन रुपीज 2 CR, दोनों मिलाकर भी 2 करोड़ की लिमिट के अंदर है. दूसरी तरफ अगर मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं,
लेट मी टॉक अबाउट द टर्नओवर पार्ट. तो इधर होल्डिंग कंपनी की टर्नओवर है 12 करोड़, सब्सिडरी कंपनी की टर्नओवर है 7 करोड़, और दोनों की टर्नओवर मिलाकर अगर जोड़ दी जाए, ऐड कर दी जाए, तो दैट बिकम्स 19 करोड़, विच इज लेस देन रुपीज 20 करोड़, 20 करोड़ की लिमिट के अंदर है. तो क्या मैं कहूं कि जब ज्वाइंट पेड अप कैपिटल लेस देन 2 करोड़ एंड ज्वाइंट टर्नओवर ऑफ रुपीज 19 करोड़ लेस देन 20 करोड़, दोनों क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे हैं, 2 करोड़ वाला भी 20 करोड़ वाला भी, तो क्या इन दोनों कंपनीज को, क्या इन दोनों कंपनीज को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलना चाहिए, होल्डिंग कंपनी को भी और सब्सिडरी कंपनी को भी, क्योंकि दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं और लिमिट के अंदर हैं दोनों मिलाकर. इंडिविजुअली देखोगे तो भी लिमिट में है, ज्वाइंटली देखोगे तो भी लिमिट के अंदर है, इंडिविजुअली भी लिमिट के अंदर है और ज्वाइंटली भी लिमिट के अंदर है. तो क्या इन दोनों कंपनीज को स्मॉल कंपनीज का स्टेटस मिलना चाहिए? आंसर इज नो, 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 बिल्कुल मना है. कि जहां होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जहां पर भी वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, तो फिर ये फायदा, ये बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, स्मॉल कंपनी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा. नथिंग नथिंग इन सेक्शन 2 क्लॉज 85 शेल अप्लाई इन द फॉलोइंग 3 केसेस, एंड द फर्स्ट वन इज होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी. ये कभी स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि लॉ मेकर को मालूम है यार ये ना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है. एक होल्डिंग कंपनी की 10 सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं, और वो सिंगल लेयर में, सिंगल लेयर में, और हर सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो फिर टर्नओवर कब तक चेक करेगा ना, लॉ मेकर भी कितना चेक करेगा कि कंसोलिडेट करके दोनों को एड करके वो क्राइटेरिया जंप हो रहा है नहीं हो रहा है. मतलब इसके अंदर ना मैनिपुलेशन का बहुत स्कोप है, प्रैक्टिकली लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि देखो सर ये वाली कंपनी हमारी 10 सब्सिडरी कंपनीज हैं. अब मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि लॉ मेकर के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लॉ मेकर ने इनको आउट ऑफ क्वेश्चन ही कर दिया कि भाई आप लोग तो स्मॉल कंपनी वाले स्टेटस की बात करो ही मत, छेड़ो ही मत. दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सेक्शन 8 कंपनीज को तो वैसे ही अलग अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एग्जम्पशंस दी हुई हैं बहुत सारी. MCA ने ऑलरेडी इनके लिए नोटिफिकेशंस इशू कर रखी हैं और इनको बहुत सारी अच्छी खासी एग्जम्पशंस दी हुई हैं, रिलैक्सेशंस दी हुई हैं. तो इनको कह रहे हैं कि आपको एज सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस मिली हुई हैं, आप फिर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और आपकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, आपकी टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से कम है, ठीक है आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आप यहां पर एज स्मॉल कंपनी दोबारा से वो रिलैक्सेशंस और वो एग्जम्पशंस क्यों मांग रहे हो? आपको एज सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, आप वही वाली रखो ना, आप एंजॉय करो. आप एज स्मॉल कंपनी क्यों मांग रहे हो? आई होप बात समझ में आ गई आपको. Then I'll say and then third criteria or third category में आ जाते हैं, company or body corporate governed by the special act. और जैसे मैं already बात कर चुका हूँ, governed by special act में हम example ले सकते हैं, ICICI life insurance, HDFC life insurance. तो they are already governed by the etc. They are already governed by the insurance एक्ट 1938. तो भाई आपको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. वैसे तो मैंने एग्जांपल गलत ले लिए, क्योंकि इन कंपनीज की ऑलरेडी पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 20 करोड़ से कहीं ज्यादा है. दीज आर लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी में, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनमें इनका नाम आता है. तो वेल आई विल से एग्जाम्पल इज लिटिल रॉन्ग दैट वे स्पीकिंग, लेकिन अगर आप ऐसी मान लो ना, ऐसी कोई छोटी इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, टर्नओवर 20 करोड़ से कम है,
तो उस केस में वेल इंश्योरेंस एक्ट में वो गवर्न होती है, स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज फाइनली आई विल से ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी फ्रॉम माय साइड.